हेलो फ्रेंड्स, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हमारे प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, मतलब स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को। इससे पहले हम दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस पर, तो आज हम पढ़ेंगे आगे के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम जो कि SBI PO है, SSC CGL है, RRB के एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, देन कीप वॉचिंग अस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के स्थान पर 14 किलोमीटर मतलब 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पर टहलता है तो उतने ही समय में वह 20 किलोमीटर की दूरी अतिरिक्त तय कर लेता है या ज़्यादा तय कर लेता है, तो यह बताइए उस व्यक्ति की मूल चाल, उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन समझना है। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, हमको लिखेंगे गिवन में, हमें गिवन में क्या दिया हुआ है। तो गिवन अगर हम देखें तो हमें दी गई है एक स्पीड जो कि उसकी ओरिजिनल स्पीड है, ये है 10 किलोमीटर पर आ। अब जो उसकी चेंज हुई स्पीड है वो कितनी है, 14 किलोमीटर पर आवर। जब वो 10 किलोमीटर के स्थान पर 14 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है तो क्या चेंजेस आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर मान के चलो अगर उसने x किलोमीटर, मतलब मैं अगर यहाँ मानूँ कि इसके लिए डिस्टेंस आपकी कितनी थी x किलोमीटर, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आई आपकी वो क्या हो गई, यहाँ d1 है, यहाँ d2 हो जाएगी। x में कितने किलोमीटर बढ़ गया, x अतिरिक्त कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर लेता है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो वो दूरी तय कर रहा था पहले, आप कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहे हैं भाई, d1 x, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना क्या है, आपको कुछ भी नहीं देखना है, आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। भाई आप x प्लस 20 नहीं लोगे यहाँ पर, आप लोगे x क्योंकि वो एक्चुअली 10 किलोमीटर पे जा रहा था, लेकिन अगर उसके स्थान पर इतना करे तब उसकी 20 किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको कितना निकालना है उसके एक्चुअल पर, तो हम एक्चुअल स्पीड के हिसाब से करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं, अब यहाँ पर दिया है S1 और S2, लेकिन जितनी भी दूरी हो, चाहे वो x हो चाहे वो x प्लस 20 हो, टाइम तो एक ही लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ बिल्कुल एक टाइम ही लगेगा, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो कितनी दूरी तय करता है, x किलोमीटर, जितने समय में उतने ही समय में वह 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितनी दूरी तय कर लेता है, x प्लस 20 किलोमीटर। तो हम t1 बराबर t2 लिख सकते हैं भाई, t1 इसके लिए टाइम हो गया और t2 आपके s2 के लिए, ठीक है। अब t1 आप क्या लिख सकते हो, जो फॉर्मूला है हमारा t बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूं मैं, हाँ। तो t1 के हिसाब से डिस्टेंस कितनी थी x, स्पीड कितनी है 10, बराबर t2 कितना है आपका, अगर आप देखोगे तो यहां पर t2 में होगा d2 अपॉन s2, तो d2 अपॉन s2 में आप देखो डिस्टेंस कितनी है आपकी, x प्लस 20 अपॉन क्या आ जाएगी स्पीड, स्पीड कितनी है 14, इन्हें आप इक्वलाइज कर सकते हो आसानी से। बस यही कंसेप्ट हमको आज समझना है क्योंकि इस आने वाले क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है और हमें यही समझना है कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, आपका ये कितना हो जाएगा 14x minus 10x बराबर 20, 4x बराबर 20, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया आपका, फोर एक्स बराबर 200, तो x बराबर कितना हो गया आपका 50 किलोमीटर। आपको x ही निकालना था, आपका x यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ देखा, हमें क्या दिया था, स्पीड और डिस्टेंस दी थी, लेकिन एक चीज़ हमें समान दी थी, टाइम, कि वो 10 किलोमीटर की स्पीड से x किलोमीटर उतने ही समय में तय करेगा जितने वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से x प्लस 20 किलोमीटर करेगा। तो हमने टाइम को इक्वल लिखा, फिर टाइम को रिप्लेस कर दिया किससे, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से, और आसानी से हमारा x निकल आया।
ठीक है, चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक कार की अपेक्षा 50% अधिक तेज है या अधिक चाल से है, दोनों एक ही समय पर एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते हैं और बिंदु बी जो कि ए से 75 किलोमीटर की दूरी पर है पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। मतलब ए से चलना प्रारंभ किया, बी तक पहुंचे, कितनी देर में पहुंचे, एक ही समय पर, कितनी डिस्टेंस पे ए से बी, 75 किलोमीटर के डिस्टेंस। यदि रास्ते पर रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी हो तो रेलगाड़ी 12.5 मिनट का समय खो देती है या 12.5 मिनट ज्यादा समय लेती है। ठीक है, मतलब आपका क्या हुआ यहाँ पर, रेलगाड़ी तो तेज थी लेकिन उसे 12.5 मिनट ज्यादा कैसे हो गया उसके, उसके इस कारण हो गए क्योंकि वहां पर क्या डिफरेंस आ गया, स्टेशन आ गए। ठीक है, तो वो ज्यादा समय ले लेती है। कार की गति क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम देख ले, हमें बोला गया है दो बिंदु हैं, ए एक पॉइंट है और एक है आपका पी। ए से बी जाती है, ठीक है, आपकी एक जा रही रेलगाड़ी और एक जा रही है कार, यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्रेन। ठीक है, अब इनकी जो ये है ये कितनी है डिस्टेंस, 75 किलोमीटर जो ये तय कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है, स्पीड दी है क्या, बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पर स्पीड में एक रिलेशन दे दिया है कि अगर कार की स्पीड जो है, मतलब यहाँ पर अगर मैं कार की स्पीड लेता हूँ आपकी x, मतलब अगर मैं S1 लेता हूँ x, तो S2 हो जाता है आपका 3/2 x। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर x है, x अपने आप में 100% है कि नहीं है, उससे 50% ज़्यादा कौन है, उससे 50 जो कार की चाल से 50% ज़्यादा चाल है किसकी, ट्रेन की। तो देखो अगर यहाँ पर 50% थी, ये कितना था 100, x अपने आप में कितना है S1 100%, तो कार की चाल कितनी हो गई 100% ऑफ x प्लस 50% एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया 150% ऑफ x। लेकिन परसेंट का साइन जब आप हटाओगे तो नीचे किसका होगा, 100 का डिवाइड होगा, कैंसिल करा, कितना हुआ 3/2 x किलोमीटर पर आर। ये हो गया, अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो दोनों की सेम है तो हमने डी कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम की, तो क्या टाइम हमें दिया हुआ है समान है, नहीं, ट्रेन अगर तेज चल रही है और कार अगर उससे थोड़ी स्लो है तो दोनों अलग अलग टाइम लेते हैं। अगर अपनी एक्चुअल स्पीड पर चले, अगर हम स्टॉपेजेस को हटा देते तो स्टॉपेजेस के कारण यहाँ पर डिफरेंस आ गया था, तो यहाँ पर जो आपका टाइम होता एक्चुअल टाइम ट्रेन का कितना होगा T2, और अगर आप लोगे यहाँ पर कार का तो कितना होगा T1। अब बात करें अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो ये एक ही समय पर पहुंचे ना, क्यों, क्योंकि ट्रेन ने कितने मिनट एक्स्ट्रा लिए थे, 12.5 मिनट वो स्टेशन पे रुकी, तो जब ये 12.5 मिनट इसमें जुड़ गए तो वो किसके बराबर हो गया था T1 के। तो यहां से आप देखो T2 - T1 बराबर कितना हो गया 12.5 मिनट। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे कि समय एक है या समय के बीच में डिफरेंस दे दिया या कुल समय बता दिया गया आपको, यहां पर क्या दिया था, उन दोनों के टाइम के बीच में डिफरेंस, कैसे भाई दोनों का समय समान कर दिया बाद में, लेकिन क्यों, क्योंकि ट्रेन ने 12.5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए थे। मतलब ट्रेन में अगर 12.5 मिनट जोड़ो तब जाके वो किसके बराबर समय लेती, कार के बराबर, तो ये हो गए बराबर। अब यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल T2 है, T2 को क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम है तो डी ही लिखे रहने देता हूं, स्पीड है S1 माइनस डी अपॉन S2 बराबर 12.5 मिनट। क्या हो जाएगा आपका 12.5 मिनट। तो यहां पर जो मैंने लिखा है T1 - T2 बराबर 12.5, अब D अपॉन S1 - D अपॉन S2, ये आपको हमेशा याद रखना है। जब भी टाइम डिफरेंस दिया जाएगा आप तुरंत टाइम का लो, जो भी रिलेशन दिया, कुल समय दिया तो T1 + T2 कर लो, है ना। आने वाले क्वेश्चन में हम और सीखेंगे इसके बारे में। यहां पर S1 और S2 आपको दिया है क्या, हाँ बिल्कुल दिया है। S1 क्या माना था आपने, देखो S1 बराबर x, तो x, S2 क्या था 3/2 x बराबर 12.5 मिनट, लेकिन आपके डिस्टेंस किस में थी, किलोमीटर में, तो आपको टाइम को किस में चेंज करना पड़ेगा, आर में, मतलब घंटे में। तो आप क्या करोगे यहाँ पर 60 का डिवाइड कर दोगे, तो किस में चेंज हो जाएगा ये, आर में। ये पॉइंट हटा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो गया 600 हो गया आपका,
600. अब कुछ नहीं है यहाँ पर, d upon x 2d upon 3x. ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली आपका क्या चल रहा है, अगर आप देखो यहाँ पर तो आपका, मैंने यहाँ पर स्पीड पुट कर दी है, डिस्टेंसेज आपकी हो गई. अब डिस्टेंसेज आपको पता है कि नहीं पता है? डिस्टेंसेज आपको पता है, d आपका कितना था 75, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 75, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 75, ये भी लिख दिया मैंने. अब यहाँ 25 से कैंसिल हो सकता था ऊपर नीचे, बिल्कुल हो सकता था, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 24, और ये किस में हो जाएगा आपका, आर्स में. अब यहाँ पर हम कुछ और भी देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन हम एक चेंज करेंगे, यहाँ एक्स कॉमन ले लो और उस साइड हम पहुँचा सकते हैं. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. 75 एक्स दोनों से कॉमन आ गया, 1/x, तो कॉमन ले लो. 75/1 − 150/3, अगर आप देखो तो 150/3 कितना हो रहा है यहाँ पर, 3 हो रहा है. 150/3 को मैं कुछ लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल 50 लिख सकता हूँ. x इस साइड चला जाएगा, 75 में से 50 गया तो आपका 25, x उधर गया मल्टीप्लाई में, आपका 25 भी इस साइड आ जाएगा, 24 सॉरी, यहाँ कितना हो गया 5x. कार की चाल क्या होगी आपकी, 120 किलोमीटर पर आर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा. यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते थे उस हिसाब से आपने यहाँ पर देखा है. देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल देखा गया बिल्कुल, 12:30 मिनट जब हुए तब जाके बराबर हुआ था आपका समय. ठीक है, तो एक्चुअली आपने जो डिस्टेंस तय करी थी वो आपको क्लियर हो गई होगी कैसे तय हुई है और कहाँ पर मेजर डिफरेंस वहाँ पर आ चुका था. ठीक है, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, और आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस एंड मैथ्स विद मयंक पे. चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.